कपूर जो कि मेरे मॉम डैड है, हम लोगों ने माता की चौकी रखी है बिकॉज नवरात्रि चल रहे हैं तो माता की तो ब्लेसिंग्स देनी हमें जरूरत है, तो हमने रखे सारी फैमिली को जो कि इनकी फैमिली है, इनको हमने बुलाया है, साथ में हमारे वेल विशर्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स सबको बुलाया है। तो यस, माता की चौकी है और अंदर आप अगर आप सुन सकते हैं तो अंदर अभी भजन चल रहे हैं, हमारे जो सिंगर्स है वो बड़े जोरों शोरों से माता के भजन गा रहे हैं। तो यस, ये माता की चौकी मिस्टर एंड मिसेस कपूर जो कि मेरे मॉम डैड है उन्होंने रखी है। मुझे लोग कुछ नया सीखने को मिला है, मैं उनके घर गया था 3 महीने रहा, एंड जय माता दी सबको। एंड ये आपकी एक डांडिया स्टिक, मैं मेरी डांडिया स्टिक है। एंड जैसे हम अंदर देख सकते थे आप लोग काफी एंजॉय कर रहे थे एंड डांडिया खेल रहे थे जी, तो कैसा फील हो रहा था? मैंने बहुत टाइम बाद डांडिया खेली है, इन्होंने भी आई है। मैंने तो कुछ ज्यादा ही टाइम बाद डांडिया खेला है, लेकिन अच्छा लगा। आई थिंक हर साल जब माय देवी माँ आती है 9 दिनों के लिए, तो उनको वेलकम करने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए हम गरबा और डांडिया खेलते हैं ताकि हम उनको स्पेशल फील करा सके कि ये सब हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। तो इस बार मैं चाहती थी कि सिड जो कि जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो मेरे इन लॉज है वो भी माता की ब्लेसिंग्स लें, इसीलिए हम लोगों ने गरबा खेला। और तुमको कैसा लगा गरबा खेलते? बहुत अच्छा लगा, पहली बार इट्स माता की चौकी पे मैं आया हूँ, पंजाबी कल्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, एंड इनके साथ डांडिया भी किया, प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ता है, एंड ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे सीखने को मिली और मैं चाहूँगा अभी ये ऐसे ही करें। बहुत मजा आएगा और आप सबको भी हर साल दीदी माँ के साथ ऐसे इंजॉय करना चाहिए, गरबा खेलना चाहिए, डांडिया खेलनी चाहिए और आई थिंक वो आपको बहुत हैप्पी फील कराते हैं। तो हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज पहले तो हमें लगा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हम लोगों को, लेकिन जैसे धीरे धीरे एक दूसरे के कल्चर को हम समझ रहे हैं और इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और एक्सेप्ट किया है मेरे महाराष्ट्र कल्चर में, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनके पंजाबी कल्चर में। तो इट्स ऑल कलरफुल, सबका मुद्दा एक है, हम लोग इंसान हैं पहले एंड उसके बाद कल्चर एंड रिलीजन बनता है, तो खुशियाँ बांटो और प्यार बहुत बहुत जी क्या बात करें। अगर हम गरबा की बात करें तो आपने बताया काफी टाइम बाद खेला है, तो इसकी क्या वजह है? काफी टाइम मतलब एक साल बाद खेला है, यही है कि मैं प्यार में पड़ गया, तो प्यार में जो भी बहुत कुछ किया इनके साथ। नहीं एक्चुअली गरबा खेलते हैं, तो ये बहुत टाइम बाद हमारे बहुत टाइम ही हो जाता है क्योंकि एक साल तक आप वेट करते हो कि कब ये दिन आए और कब हम धूमधाम से रेडी होके गरबा खेलने जाए, डांडिया खेलने जाए। तो यस, काफी टाइम बाद मैंने खेला है, मतलब एक साल बाद खेला है। जी हम बस देखिए देवी माँ से हम क्या मांग रहे हैं वो तो हम आपको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मन्नत है, पर हाँ वो सीक्रेट है, वो उन तक ही रहना चाहिए ताकि वो हमारी विशेष को पूरी कर सके। बट यस, बिसाइड दैट हम सब बेस्ट चाहेंगे हमारी टीम के लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज हम सब लोग ने मेहनत की है और कोशिश की है कि हम लोग आपके दिल में एक छोटी सी जगह बना सकें, छोटी सी, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको पसंद आए, हमने जो मेहनत की है वो आपको पसंद आए। तो यस, हमारी विशेष काफी ज्यादा है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर कुर्ता पजामा पहना है जो कि गरबा में यूजुअली सब पहनते हैं, और मैंने थोड़ा इंडो वेस्टर्न पहना है, स्टाइल बाय माय स्टाइलिस्ट विवेक गौरव, उन्होंने हमें स्टाइल किया है और वी आर वेरी हैप्पी, हम बस अच्छे से रेडी होके अच्छे से गरबा खेलना चाहते हैं। खुशियाँ बने नया साल आने वाले जी, तो खुशियाँ मनानी चाहिए जी। थैंक यू माता की चौकी है, कपूर फैमिली ने सबको बुलाया है,
इनकी बेटी अब साढ़े फैमिली में शादी करके जाने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई है आपको जी। शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मिस द साठे फैमिली के इतनी खूबसूरत कपूर खानदान की बेटी आपके घर आ रही है। तो मुझसे ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड है, तो अच्छी बात है। भाई हमारा प्यार कामयाब हुआ। देखो परेशानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुई, बिकॉज मैं एक अपने एक एटीट्यूड के साथ आया था कि जो भी होगा मैं सीखूंगा और करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा। एंड जब मैंने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस वही था कि इनके पापा के थोड़े बहुत यू नो इनसाइट से नखरे, चलो नखरे लेने पड़ते थे, ताने सुनने पड़ते थे। वो तो आपको पता है उनका एक प्लान होता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन मैंने तो बड़े दिल के साथ सब एक्सेप्ट किया और सीखा, और मुझे अच्छा लगा कि मैं इनकी फैमिली के साथ रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।